हेलो सिक्स क्लास टूडे वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर नंबर सिक्सटीन सेंटेंस फ्रेज एंड क्लॉज इन योर इंग्लिश ग्रामर सेक्शन सो इन दिस चैप्टर वी स्टडी अबाउट व्हाट इज द सेंटेंस फ्रेज एंड क्लॉज लेट वी डिस्कस अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट हैज एट लीस्ट वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट एंड मेक्स कंप्लीट सेंस बच्चों सेंटेंस एक ऐसे वर्ड का ग्रुप होता है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है एक प्रेडिकेट होता है और इसमें कोई उसका कंप्लीट सेंस होता है सेंटेंस के दो पार्ट हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है सब्जेक्ट इज दैट पार्ट ऑफ सेंटेंस विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट सब्जेक्ट वो सेंटेंस का पार्ट है जिसमें कोई पर्सन का नेम दिया हो या किसी थिंग का नेम दिया हो और जिसके बारे में बात की जा रही हो सब्जेक्ट है दैन द प्रेडिकेट इज दैट पार्ट ऑफ सेंटेंस विच टेल्स विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट प्रेडिकेट वो सेंटेंस का पार्ट है जिसमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया जाता है जैसे सेंटेंस देखते हैं डांसिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज यहाँ पर डांसिंग क्या अगर जो सब्जेक्ट है क्योंकि इसके बारे में कुछ बताया जा रहा है और क्या बताया जा रहा है इज़ अ गुड एक्सरसाइज तो इज़ अ गुड एक्सरसाइज क्या हो जाएगा प्रेडिकेट इस दिस मूवी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बताया जा रहा है दिस मूवी के बारे में तो ये सब्जेक्ट हो गई और क्या बताया जा रहा है इज़ वेरी इंटरेस्टिंग ये प्रेडिकेट हो गया स्लो एंड स्टडी विंस द रेस स्लो एंड स्टडी के बारे में बताया जा रहा है तो ये सब्जेक्ट है और विंस द रेस इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये वैसा है विंस द रेस तो प्रेडिकेट अवर ब्रेव सोल्जर्स डिफीटेड द एनिमी अवर ब्रेव सोल्जर्स के बारे में बताया गया तो सब्जेक्ट है अवर ब्रेव सोल्जर्स क्या बताया गया है डिफीटेड द एनिमी तो प्रेडिकेट हो गया ओके अब हम आते हैं कुछ हमारे पास सेंटेंसेज होते हैं जैसे एक्स इंपेरेटिव सेंटेंस जैसे कि हमारे पास है सिट डाउन या फिर थैंक यू तो ये एक ऐसे क्या uh, कहते हैं सेंटेंसेज होते हैं जिसमें सब्जेक्ट जो है वो अंडरस्टूड होता है एक्सलामेटरी सेंटेंसेस वो सब होते हैं जिसमें शॉकिंग इट इज शॉकिंग यानी कि ये क्या प्रेडिकेट इसमें अंडरस्टूड होता है वेल डन नो मोर ऑफ दैट ये सब क्या है इसमें डायरेक्टली कोई प्रेडिकेट नहीं लिखा होता बल्कि इनका प्रेडिकेट जो होता है वो अंडरस्टूड होता है ऐसे इम्पेरेटिव में सेट डाउन है तो यानी कि प्रेडिकेट तो दिया है लेकिन इसका सब्जेक्ट वो अंडरस्टूड किया जाता है अब आता है इसके बाद में फ्रेज फ्रेज क्या होता है बच्चों फ्रेज फ्रेज इज ग्रुप ऑफ वर्ड दैट दैट मेक्स सेंस मेक्स सम सेंस ओके फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स सम सेंस इट नॉट मेक्समेट फ्रेज एक ऐसे वर्ड का ग्रुप है जिसमें जिसका अपना सेंस खुद होता है लेकिन उसमें कोई प्रेडिकेट नहीं होता जाए ऑन द टेबल इन द मॉर्निंग विद हर ब्रदर अ बंच ऑफ फ्लावर्स सम गर्ल्स इन द क्लास ये सब क्या है ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऐसे हैं इनका अपना सेंस तो है लेकिन इनमें कोई भी प्रेडिकेट नहीं लगा अब क्लॉज क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ सेंटेंस इट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन मतलब क्लॉज एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसमें एक सब्जेक्ट होगा प्रेडिकेट होगा और इसका अपना एक होल सेंस भी होगा ये एक सेंटेंस का पार्ट होता है ही टेल एंड एंड ट्रू ट्रू इसमें क्या है ये जो है इसमें साउंड्स ये सब्जेक्ट है और एंड ट्रू क्या है ही हैज अ चेन विज मेड ऑफ गोल्ड इसमें विच इज मेड ऑफ गोल्ड ये जो विच इज़ है ये आपका सब्जेक्ट है मेड ऑफ गोल्डिकेट है ये सब्जेक्ट है दे आर डेप्टो है वो प्रोडिकेट है तो इस तरीके से हमने देखा कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऐसे जिनका ओन सेंस होता है और उसमें सब्जेक्ट ऑफ प्रेट दोनों होते हैं तो वो क्लॉस कहलाता है लेकिन ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड जिसका कोई अपना ओन सेंस नहीं है लेकिन उसमें सम सेंस बनता है और साथ में उसमें प्रेडिकेट इंक्लूड नहीं होता तो वो कहलाता है फ्रेज ओके सो आई होप दैट यू विल वेल अंडरस्टैंड विद दिस चैप्टर इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल कम टू मीट यू सून विद माय नेक्स्ट टॉपिक टेल देन गुड बाय एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियोज़ टू बाय